हाजिर है हम तय की गई तारीख और समय पे। मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस वेबिनार से जुड़े। यहां मैं आपको बोर करने वाला हूं, क्योंकि यह वेबिनार में कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं होने वाली है। यहां पे नॉलेज शेयरिंग होने वाला है और जहां तक मेरे पास जानकारी है वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप अपने सूत्रों से और सरकारी प्राप्त माहिती सूत्रों से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बोर हो जाओ तो थोड़ी लंबी सांसें ले लेना बीच में, और अगर मैं बोर हो जाऊं तो मुझे 10 सेकंड दीजिएगा लंबी सांसें लेने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वेबिनार छोड़ना मत। हो सके ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए तो बाद में वेबिनार ख़त्म होने के बाद योगा का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये वेबिनार से जुड़ के रहिएगा। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने अपने भविष्य का क्या आयोजन किया हुआ है, आपने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, आपके भविष्य की क्या जवाबदारियाँ होगी, आपके भविष्य के क्या क्या खर्चे होने वाले हैं और आपके सपने क्या हैं, बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके खुद के सपने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। भविष्य की अनिश्चितताएँ बहुत है, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी आमदनी कम होती जाएगी, आपके स्वास्थ्य संबंधित खर्चे बढ़ते जाएंगे। इनका सामना करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त धन है या आने वाला है? आपने ऐसा कुछ किया है आज की तारीख में कि जिससे आपका भविष्य का आयोजन हो चुका है, या आपको कुछ लॉटरी लगने वाली है? क्या होने वाला है कि भविष्य आपका सुरक्षित होगा या भविष्य की अनिश्चितता का आप सामना कर पाओगे? अब आप ये मत कहना कि मैंने आपको फिर से बोर मारना शुरू कर दिया है, लेकिन आप बोलोगे कि ये जवानी एक बार आती है, जीवन एक बार आता है, और आप बात कर रहे हो कि ये भी मैं बचत निवेश में निकाल दूं, सारी चीजें आज ना खर्चा करके भविष्य के लिए बचाऊं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि वो ऐसा बोले कि मेरे बाप दादा ने ऐसा आयोजन किया था कि आज मेरी जवानी में मेरी लाइफ हो गई है झिंगा लाला, मैं खर्चा कर सकता हूँ क्योंकि आयोजन हो चुका है। झिंगा लाला ओबाला ओबाला, आप भी नाच सकते हो अगर आपके पास जगह है, लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान से हाथ पटकाएगा, ध्यान से नाचिएगा, वरना आने वाली पीढ़ी आएगी ही नहीं। ओबाला ओबाला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आयोजन करना है तो कहाँ करना है? अपने पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ रिस्क, या अपने पास ऑप्शन है फिक्स डैमेज फिक्स डिपॉजिट का, जो इन्फ्लेशन से भी कम अपने को इंटरेस्ट रेट देती है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा अपने पास पीढ़ियों से चले आए बुजुर्गों की समझदारी से इन्वेस्ट के लिए प्रॉपर्टी और सोने का भी ऑप्शन है। एक मिनट, सोने में मैं मोना का सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ असली सोने की, रियल गोल्ड की। लेकिन उसमें भी खतरा है, चोरी हो सकता है और दिल में घाव दे जा सकता है। लेकिन चार्ली चैप्लिन से लेके माइकल जैक्सन से लेके जैकी चैन तक पूरे विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध सबसे सुरक्षित निवेश प्रॉपर्टी के निवेश के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी में आप क्या सोचते हो, कहाँ निवेश करना चाहिए? जहाँ प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, जो लोकेशन एरिया डेवलप हो चुका है वहाँ करना चाहिए, या जो डेवलप होने वाला है भविष्य में वहाँ करना चाहिए? जहाँ डेवलप हो चुका है वहाँ ऑलरेडी एक पीक प्राइस पहुंच चुका है, और जहां डेवलप होने वाला है वहां पे वो पीक प्राइस पकड़ने वाला है। हर एक प्रॉपर्टी की लाइफ साइकिल में एक बार ऐसा समय आता है जब वो अपने पीक को टच करता है। तो जब भी आप निवेश करना चाहते हो तो आपको निवेश तब करना है जब वो पीक प्राइस से बहुत पहले, जहां पीक प्राइस अचीव करने वाला अभी बाकी हो। अगर उसने डेवलप हो चुके लोकेशन में आप निवेश कर रहे हो तो उसने अपनी प्रॉपर्टी ने पीक प्राइस अचीव कर ली है, उसके बाद उसका उससे ज्यादा पीक होने के चांसेस कम रहते हैं और काफी नॉमिनल होता है पीक। तो सबसे ज्यादा पीक अचीव करने के लिए आपको ऐसी जगह पे निवेश करना है जहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है। तो वो डेवलपमेंट जब होगा तब वो प्रॉपर्टी अपनी पीक प्राइस पे पहुंचेगी, तो आपको 10 गुना 20 गुना दे के जाएगी। तो दोस्तों ये जो है, ये पीक प्राइस वाला फॉर्मूला, ये सीक्रेट मैंने आज आपको बताया है प्रॉपर्टी का।
एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए हमसे भी कोई ज़्यादा प्यासा, ये सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी में भी ऐसा एक ऑप्शन बचा रखा है। ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है, वो अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो भारत का नहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यहाँ भारत के अंदर गुजरात के मध्य में आ रहा है। इस डेवलपमेंट का सपना श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के रहते हुए देखा था, और इस डेवलपमेंट का नाम है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसको लोग अब धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पे, धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट गुजरात के मध्य में आने वाला है। और ये जो सपना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये जगह में एक ही बार बारिश में खेती होती है और समर में ये लैंड जो है वो सलाइन हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी सारी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए गुजरात के मध्य के लोकेशन में ये जगह योग्य इसलिए थी कि यहाँ पे आपको कोई विरोध नहीं आने वाला था, क्योंकि ये जगह ऐसे भी वेस्टलैंड जैसी थी। बाहर बड़े बड़े देशों से प्रेरणा लेके फ्रांस, नॉर्वे, जिन्होंने वेस्टलैंड को बेस्टलैंड बना दिया, उसी तरह भारत में गुजरात के मध्य में इस जमीन को वेस्टलैंड में से बेस्टलैंड बनाने का सपना चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखा। उन्होंने सोचा कि सिंगापुर, ताइवान, जापान जैसे देशों के पास जमीन नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं, तो क्यों ना इस ज़मीनों में ऐसे प्रोजेक्ट किए जाए जिसके जरिए इन सारे देशों के विकसित कंपनियों और निवेश को यहाँ पे लाया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट हो, रोजगारी बढ़े। तो यहाँ पे अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो विस्तार है 22 गांव को जोड़ के SIR नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया गया। 2009 में SIR एक्ट पसार हुआ, पास हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मतलब ये हम आपके कौन वाला मामला हुआ, शोले वाला नहीं, जहां पे दोनों पक्षों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हितों को एक बाजू रख के विकास को जन्म होने दिया। तो ये जो विकास की गाथा, ये जो विकास की यात्रा 2009 से शुरू हुई, उसके बाद यहां पे काफी काम हुआ, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इसको एक ज्यादा बूस्ट और फास्ट ट्रैक पे ये चल पड़ा। यहाँ पे 6 TPs टाउन प्लानिंग स्कीम आ चुकी है ऑलरेडी। ये जो शहर था, ये एक जमाने में मुंबई से भी बड़ा शहर था और यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था। उस जमाने में मुंबई था ही नहीं, लेकिन जैसे समय गया तो ये जो शहर है, इसकी जो जाओ जलाली थी वो कम होती गई और अब फिर से इसका समय आ चुका है। ये शहर में जो 6 TPs हो चुकी है, उसमें से 2 TPs फाइनल है, बाकी की ड्राफ्ट TPs है। ये शहर में जोनिंग हो चुका है, यहाँ का प्लानिंग जो है वर्ल्ड रिनाउंड हाल्को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने किया हुआ है। ये शहर इज द प्लैटिनम रेटेड सिटी एंड ये दुनिया का सिर्फ दूसरा शहर बनेगा वॉशिंगटन DC के बाद जिसको ये रेटिंग मिला गया है। तो सोचिए दोस्तों कि इतना बड़ा प्लानिंग के साथ, इतना आयोजन के साथ ये शहर यहाँ भारत के अंदर नया बन रहा है और यहाँ TPs हो चुकी है, काम चालू हो चुका है, और आप कहाँ हो? अब तक आपने इसके बारे में मेरे मुंह से सुना है, लेकिन अब मैं आपको ले जाता हूं ये विजनरी के पास, उनके मुंह से सुनने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ी देर के लिए आप मुझे मिस कीजिएगा, लेकिन मैं जरूर वापस आऊंगा। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी।
हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है, उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है, 6 times more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं। और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे, आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसको बल मिलेगा। आ चुका हूं दोस्तों मैं वापस आपके साथ। तो अभी आपकी उत्सुकता और बढ़ चुकी होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है, ये यहाँ क्या क्या आने वाला है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, 10-lane एक्सप्रेसवे आने वाला है, यहाँ पे मेट्रो लिंक होने वाली है गांधीनगर अहमदाबाद से। इसके अलावा यहाँ कल्पसर योजना का प्लान है, यहाँ पे और बहुत सारे प्लान है। यहाँ पे ड्रेनेज और ट्रैफिक सिस्टम सिस्को और IBM मैनेज करने वाले, मतलब यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ड्रेनेज का कभी ओवरफ्लो नहीं होगा। और ये जो योजनाएं हैं, इसकी भी मैं आपको जानकारी वेबिनार्स में आगे दूंगा डिटेल्स में। दोस्तों, ये जमीन जो है, आपने सोचा होगा कि ये जमीन जो बंजर है, ये कैसे चूज की गई। तो यहाँ पे बहुत सारे देशों ने, विकसित देशों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने इन ऐसी ज़मीनों को अच्छा किया, इसको अच्छा बना के इसका उपयोग किया है। उसी तरह आप देखिए ये लोकेशन, यहाँ अहमदाबाद है, उसके नॉर्थ जो साउथ वेस्ट, उसके साउथ वेस्ट 100 किलोमीटर के अंतर्गत ये धौलेरा डेवलप हो रहा है, रीजन SIR रीजन। उसके बीजू बिल्कुल पास में खंबात की खाई है, ये खंबात की खाई में साबरमती का, नर्मदा का और महीसागर का पानी यहीं जमा होता है। और यहाँ पे जो दरिया है वो सिर्फ हाई टाइड पे ऊपर चढ़ता है, वरना यहाँ पे पूरा मैदान होता है। इसीलिए इस विस्तार को भाल विस्तार भी जाना जाता है गुजराती में। तो यहाँ पे अगर डैम बनाया जाएगा तो जो दरिया है वो हाई टाइड में ऊपर नहीं आएगा, और ये जो जगह खाली बड़ी मैदान की रहेगी, वहाँ पे ये नदियों का पानी दरिया में नहीं मिलेगा और जमा रहेगा। और ये अगर पानी का जमावड़ा ऐसे ही बनता रहा यहाँ पे, तो यहाँ की आसपास की ज़मीनें जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये ज़मीनें जो है, जब तक अच्छी हो जाएगी तब तक ये SIR बन चुका होगा। तो मतलब विन विन सिचुएशन सबके लिए है। आज आप ज़मीन ले रहे हो सस्ते में, वही ज़मीन भविष्य में सरकारी योजनाओं से सुधर जाएगी, ऑटोमेटिक उसकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, काफी कीमतें बढ़ जाएगी अच्छी होने के बाद। और ऐसे भी शहर बन रहा है तो बढ़ने ही वाली है। दोस्तों, ये शहर का जो निर्माण है, ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये प्रैक्टिकल चालू हो चुका है। यहाँ पे अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स भी हो चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी पूरे भी होने वाले हैं। जैसे ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंटर ऑफ धौलेरा ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सीवेज सिस्टम का प्लांट ऑलरेडी पूरा होने में है। और 158 स्क्वायर किलोमीटर का TP1 और TP2 एरिया में से 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन जोन वो भी बन चुका है। ये एक्टिवेशन जोन से आप देख सकते हैं कि ये सिटी किस प्रकार का होने वाला है। हम अपने वेबिनार के अंदर आपको ग्राउंड रिपोर्ट में ये डेवलपमेंट दिखाएंगे और अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स की भी ज्यादा डिटेल्स आपको देंगे। तो ये जो अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स है ये पूरे हो गए हैं, एक्टिवेशन जोन कंप्लीट हो चुका है, शहर कैसे बनने वाला है इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। ABCD बिल्डिंग से सेंट्रली मॉनिटर होगा ये सिटी, कोई भी एंटर होगा
तुरंत पता चल जाएगा एबीसीडी बिल्डिंग में, कोई भी जा रहा है तुरंत पता चल जाएगा एबीसीडी बिल्डिंग में। सारे शहर सेंसर से जुड़े हुए होंगे, सारे शहरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होंगे, मतलब एक भविष्य का जीरो पॉल्यूशन वाला शहर जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर वन होगा, इस प्रकार का ये शहर बन रहा है। तो ऐसे ही लोग इसको स्मार्ट सिटी नहीं बोलते हैं, ये स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, यहाँ पे जो आपके रास्ते होंगे इसके बिल्कुल बाजू में आपको पेडेस्ट्रियन वॉक होगा, उसके बाजू में साइकिल पाथ होगा, साइकिलिंग का पाथ होगा, कितने शहरों में है ये, और उसके बाजू में आपको शेडेड ट्री मिलेंगे। इसके अलावा वहीं अंडरग्राउंड आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं जहाँ पे कोई भी खराबी हो आदमी ब्लॉक्स के अंदर जाके रिपेयर करके बाहर निकल आ सकता है, कोई खड्डा खोदने की ज़रूरत नहीं है। एक अपने मैनेजमेंट गुरु हो गए सी के प्रहलाद, उन्होंने कहा था कि भारत जब 75 वर्ष का होगा, मतलब 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 2022 तक, अगर भारत 100 शहर नहीं बनाता है तो भारत के अभी के जो शहर है वो स्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं और हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं है। सुनिए उनकी उन्हीं के जुबानी, नीति आयोग के अमिताभ कांत की जुबानी कि क्या वो कहना चाहते हैं इसके बारे में। इन द नेक्स्ट 3 to 4 जो है वहाँ पे लाइव हो चुके हैं, टीपी पड़ चुकी है और जोनिंग हो चुका है, फाइनल प्लॉट भी दिए गए हैं, यहाँ पे कौन से लोकेशन में क्या आने वाला है वो भी तय हो चुका है। और ये जो शहर बन रहा है ये काफ़ी बहुत ही फास्ट पेस में अपने स्पीड से बन रहा है, तो हम ये शहर बन जाएगा बाद में अगर एंटर होंगे तो, जैसे ही मैंने आपको पहले बोलाया था कि डेवलप्ड लोकेशन में जा एंटर करना इम्पॉर्टेंट है या फिर डेवलपिंग में, आपको एप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, डेवलप लोकेशन में मिलेगा या डेवलपिंग में, तो डेवलपिंग के अंदर अभी राइट टाइम है, क्योंकि इससे पहले
अनिश्चितता थी धोलेरा सर के बारे में, कैसे होगा क्या होगा। आज की तारीख में ये निश्चित हो चुका है कि ये जरूर बनने वाला है, और कैसे बनने वाला है, और ये सब राइटिंग में है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में है, और जो भी मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स dholerasir.com, gidb.org, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं 10 लेन एक्सप्रेस वे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। उसके अलावा dmidc.com, ये जो है dmidc दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर योजना, इसके बारे में भी हम आपको एक वेबिनार में जानकारी देने वाले हैं। उस योजना के अंतर्गत, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उस योजना के अंतर्गत भी धोलेरा सबसे बड़ा शहर बनने वाला है, इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में धोलेरा के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो इसके डेवलपमेंट को बूस्ट दे। वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम है धोलेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिटी लिमिटेड, DIDCL, और उसकी वेबसाइट पे और उसके पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये शहर जो बन रहा है बहुत गति से बन रहा है, इस शहर के बनने से पहले आपको यहाँ आ जाना है और इसका बेनिफिट आपके लिए और आपकी अगली पीढ़ी के लिए आपको लेना है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, आप बने रहिए मेरे वेबिनार्स में तय किए गए समय और तारीख में, और हम आपको देंगे सारी जानकारी विस्तृत में। देखिए दोस्तों, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़ा शहर है, काफी बड़ा प्लानिंग है, आपकी सोच से ज्यादा, आपके सपनों से आगे। मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के सपनों के साथ, आपके भविष्य को ले जाना चाहता हूँ भारत के भविष्य के साथ। तो आपको बनाए रखना पड़ेगा, अपने पेशेंस भी बनाए रखने पड़ेगा, काफी लंबा चलेगा क्योंकि ये सारी जानकारी मैं आपको प्राप्त करवाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में खत्म कर दूं, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। तो आप बने रहिए अगले वेबिनार में तय की गई समय और तारीख पे। सो मिलते हैं दोस्तों।